महोबा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजना शर्मा ने बच्चों को कुपोषित मुक्त रखने और बच्चों की देखभाल करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। यहाँ पर 30 बच्चे पंजीकृत हैं। पंजीकृत बच्चों में से 28 तक बच्चे आज उपस्थित हुए हैं और होते भी रहते हैं। सुबह से उनको बुलाना, यहाँ पर उनकी स्वच्छता की जांच करना, स्वच्छता के बाद अगर कोई बच्चा गंदा होता है तो उसका मुंह हाथ भी धुलाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, उसको सही भी करते हैं और उनको मतलब हर प्रयास करते हैं कि वो अच्छे से आए। और यहाँ पर उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अच्छा, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है, किस बात को लेकर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय मिशन चल रहा है उसमें कुपोषण को मुक्त करने के उसमें हमें ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। और हमारे गांव में एक बच्चा सिर्फ अति कुपोषित की श्रेणी में है और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अंजना शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किड़ारी विकास कबड़ई जिला महोबा उत्तर प्रदेश की हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 7 जनवरी को भारत सरकार द्वारा बुलाया गया है। उनके लिए सबसे पहले उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में सर्वाधिक बच्चे 30 पंजीकृत हैं तो उसमें 28-29 प्रत्येक दिन आए, प्रत्येक बच्चों जो कुपोषित थे उनको पोषित किया, खेल कूद की गतिविधियां, हाथ कब धुलाना है कैसे धुलाना है ये बच्चों को सिखाया, कब बैठना है कब उठना है कहाँ जाना है ये सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई।